स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय संस्कृत पाठ 13। पाठ का नाम है वाटिका। तो आज हम वाटिका पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाटिका के बारे में जानेंगे, वाटिका का अर्थ क्या होता है। तो वाटिका का अर्थ होता है फुलवारी। यहाँ पे आप फुलवारी का चित्र देख रहे हैं। तो चलिए इस पाठ को आज हम पढ़ते हैं। इयम एका वाटिका अस्ति। यह एक बगीचा है, यहाँ एक फुलवारी है। अत्र सुरभितानि पुष्पाणि सन्ति। यह सुंदर सुंदर फूल है। सुंदरा खगा च कूजन्ति। सुंदर चिड़िया बोलती है। इयम शोभना वाटिका अस्ति। इयम शोभना वाटिका अस्ति, मतलब चिड़िया के बोलने से इनकी शोभा बढ़ती है, इस वाटिका की शोभा बढ़ती है। तत्र एक सरोवर अस्ति। यहाँ एक तालाब भी है। सरोवर अस्ति, तालाब है। तत्र एकम श्वेतम कमलम विकसति। उसने एक सफ़ेद फूल, सफ़ेद कमल खिला है। श्वेतम कमलम, सफ़ेद कमल खिला है। चंचला मीना तरंती। इसमें मछलियाँ तैरती हैं। ये तो हंसो तरता। वहाँ हंस भी तैरते हैं। तत्र के कूदंती। वहाँ कौन कूदता है? तत्र मंडुका कूदंती। वहाँ मेढक कूदते हैं। अत्र अनेका जना तिष्ठंती। तिष्ठंती, वहाँ अनेक सारे लोग आते हैं। स कौन, वह कौन है? स विनोद कुमार अस्ति। वह विनोद कुमार है। स किम करोति, वह क्या कर रहा है? स भ्रमति, वह घूम रहा है। इमा सीता गीता राधा च सन्ति। यहाँ सीता गीता राधा हैं। सीता गीता च गायत। सीता गीता गा रही हैं। राधा धावति, राधा दौड़ रही है। अत्र इमौ बालको किम कुरुतः, और बालक क्या कर रहे हैं? अत्र इमौ बालको खेलतः, और यहाँ बालक खेल रहे हैं। ते मित्रे अस्तः, वे सब मित्र हैं। इयम वाटिका मनोहरा अस्ति। यह बगीचा बहुत ही सुंदर मनोहर है। तो आप इस चैप्टर को, वाटिका चैप्टर को पढ़ेंगे और इसे आप समझेंगे। फिर आपका वाटिका चैप्टर का यहाँ पे देखिए शब्द संग्रह दिया है। तो चलिए इसे हम अब पढ़ते हैं। एका, एका में होता है एक, स्त्रीलिंग के लिए यह है एका। अत्र, यहाँ। इधर कूजंती, कूज रहे हैं। तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। एका, एका का अर्थ होता है एक, एक पुलिंग के लिए। एका यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग के लिए और एका आपका पुलिंग के लिए। सरोवर, सरोवर का अर्थ होता है तालाब। एकम, एकम का अर्थ है एक। ये नपुंसक लिंग के लिए यहाँ पे एकम प्रयोग किया जाता है। तिष्ठान्ति, अस्था है। तिष्ठान्ति मीन्स होता है। किम, किम का अर्थ होता है क्या। तो इस आप शब्द संग्रह को अपनी कॉपी में से आप नोट डाउन करेंगे, और आपका एक होमवर्क आज का है कि आप शब्द संग्रह को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और इसे आप याद भी करेंगे, और आप अपने इस वाटिका चैप्टर को इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसे आप समझेंगे कि वाटिका का अर्थ क्या होता है, इसमें आपका क्या दिया है। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।